हाय फ्रेंड्स, आज कुछ नया टॉपिक के साथ। हेल्थ का टॉपिक है आज का। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको एकदम एंड तक देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में मुझे थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस पहले से है। मैं पहले जिम का ट्रेनर भी हुआ करता था, तो हेल्थ के बारे में ज़्यादा मैं, क्योंकि ज़्यादा सुना हुआ चीज़ नहीं बताऊँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे को हेल्थ के बारे में थोड़ा नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है, अरे आनंद सर, आप तो पिछला 25 साल से मैं देख रहा हूँ जैसा है वैसे ही हो आप, ऐसा बोलते हैं। और हाँ, मैं 25 साल से, मेरे को बहुत सारे लोग, अभी आप ही लोग में जो जो वीडियो देखेंगे वो मेरा पहचान वाला ही ज़्यादा रहेगा, और सब लोग मेरे को देखता ही है। पिछला 28 साल से मैं मुंबई में हूँ, तो लगभग 25 साल से मैं 60 वेट मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसा ही हूँ। मैं कभी 58 का नीचे भी नहीं आया, 60 के ऊपर भी मेरा वेट होने नहीं दिया, तो इस तरह मैं बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ टिप्स दूंगा, तो सही में अगर ये आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका भी 10 साल आपका बढ़ जाएगा, आपका उम्र बढ़ जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ सही रहेगा तो वेल्थ भी कमा सकते हैं हम लोग। तो अगर 10 साल अपना ज़िंदगी का बढ़ गया तो 10 साल का इनकम भी बढ़ जाएगा, सही है कि नहीं? तो इसके लिए हमको आज का सेक्शन बहुत ध्यान, क्योंकि बोला ना, अभी ज्ञान है तो सब कुछ है, तो ये सुनना ही पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल वाले को मैं अपना फैमिली समझता हूँ, कि आज मेरे को ये सब शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप भी अपने दोस्त को, अपने परिवार को, हर किसी को ये सेंड कर सकते हो, ये दिखा सकते हो, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं 3 चीज़ के बारे में बताता हूँ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितना जिम करना है। ये 3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो क्या खाना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं खाना है, तो पहले क्या नहीं खाना है उसके बारे में बताता हूँ। तो नहीं खाने का मतलब, या आप कम कर सकते हो, जो भी आजकल जो खा रहे हो तो जितना हो सकते हो उतना कम कर सकते हो। तो उससे पहले चीज़ है मैदा। मैदा जितना हो सकता है उतना कम खाइए, या नहीं खाएगा तो चलेगा, क्योंकि मैदा किस किस चीज़ में यूज़ होता है, क्या क्या फीड में मैदा जाता है, ये तो आपको पता रहेगा। तो मैदे को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैदा में एलोक्सन करके एक एसिड उसमें डाला जाता है, तो वो बहुत ही खराब है, सेहत को हानिकर करेगा ही करेगा। तो ये सब अभी देखिए, गेहूँ अच्छा है, मैदा खराब है, तो क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, बनाने का प्रोसेसिंग में उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, इसके लिए वो सही नहीं रहता है। वो जितना कम खाएंगे, मैं भी बहुत कम खाता हूँ, जितना कम खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और दूसरा, शक्कर, शुगर भी बहुत हानिकारक होता है, वो भी जो प्रोसेसिंग है बनाने का उसमें, क्योंकि गुड़ अच्छा है, गन्ना अच्छा है, जो उसका बनाया हुआ शुगर सही नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग में उसमें क्या क्या जाता है। तो शुगर देखो, शुगर आने के बाद, डायबिटीज़ आने के बाद तो कोई भी छोड़ देगा, वो बड़ी बात नहीं, जो कुछ होने से पहले ही छोड़ेगा वो समझदारी है कि नहीं? जब डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना वो नहीं खाने का, कोई भी छोड़ देगा। अगर जो पहले से ही नहीं खाएगा, पहले से ही कंट्रोल करेगा, तो वो हमेशा के लिए वो थोड़ा थोड़ा खा सकता है। जब एक बार बंद होएगा तो बंद होएगा ना, तो अभी से ही कंट्रोल करेंगे तो आप हमेशा ज़िंदगी भर खा सकते हो सब कुछ, तो ये चीज़ याद रखना है। तो शक्कर, डायबिटीज़ हो या नहीं हो, तो शक्कर जितना हो सकते उतना कम कर दीजिए। अभी वो किस किस में जाता है आपको पता है, शुगर का क्या क्या सिरप होता है, शुगर का कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, ये सब जितना हो सकता है आप कम करेगा तो बहुत अच्छा है। तीसरा, कॉर्नफ्लावर भी ऐसा ही है, क्योंकि अपन होटल लाइन में हम लोग का बहुत सारा चिल्ली वगैरह, वो मंचूरियन पकौड़े या चाइनीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम बहुत जन लोगों का आदत रहता है, आते जाते कुछ उठा के खाने का, ये सब आदत रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके वो दिन भर का कैलकुलेशन करेगा तो जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ होता है अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर चला जाता है उतना। तो कॉर्नफ्लोर भी जितना हो सकता है उतना कम खाएंगे तो अच्छा है। और चौथा है तेल भी बहुत ठीक है, तेल तो बहुत कम खाना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग किचन में काम करता है, तो किचन में एग्जॉस्ट होता है, चिमनी होता है, तो भी कुछ हम लोग बनाते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा
तेल ऐसे ही नाक से मुंह से अपने शरीर के अंदर वैसे ही जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ किचन वाला हमेशा मास्क पहना रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोरोना हो या नहीं हो मास्क पहनने से और अच्छा होगा। तो तेल बहुत कम खाना है, क्योंकि हम लोग वो ये करके तो कुछ थोड़ा बहुत बना के खा लेते, किचन वाला ज़्यादा करके यूज़ होता है। हाँ, तो तेल जितना हो सके उतना तेल कम खाना है, ये भी हमको शरीर में बहुत हानिकारक करेगा। तो और तेल के बाद चिकन, चिकन भी सबको अच्छा लगता है। चिकन बोलेगा तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, कुछ लोग वेज बोलेगा तो बहुत कम खाना खा लेते हैं, चिकन बोलेगा तो ज़्यादा खा लेते हैं, वो कैसा उनका सिस्टम है पता नहीं है। हमारा सेम रहता है, कुछ भी हो जाओ जितना खाना है उतना ही खाता है, जितना रोटी जाएगा जितना चावल जाएगा उतना ही, वो वेज हो नॉन वेज हो हमारा ऐसा रहता है। लेकिन बहुत लोगों को बहुत चेंजेस रहता है, अगर फोकट में मिला तो कितना भी खा लेंगे, खुद का पैसा डालना रहेगा तो थोड़ा खाएगा तो पेट भर जाता है, ऐसा भी लोग रहते हैं। तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना पेट को जितना लगता है उतना ही खाना चाहिए। नॉनवेज में चिकन में क्या होता है कि आजकल चिकन में एंटीबायोटिक दिया जाता है, मतलब जो चिकन 6 महीने में ग्रोथ होना चाहिए, 3 किलो होना चाहिए, वो 2 महीने में 3 महीने में हो जाता है। तो एंटीबायोटिक से वो उसको बढ़ाया जाता है या और भी कुछ कुछ फूड डालते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। एंटीबायोटिक हमारे शरीर के लिए अच्छा है डायरेक्ट इंजेक्ट के थ्रू लेगा तो, लेकिन कैसा है तो किसी फूड के थ्रू वो हानिकार होता ही है हमारे शरीर में। तो चिकन भी आज के तारीख में ओरिजिनल तो क्या मिलता है, ओरिजिनल तो बहुत कम चीज़ रहता है, हर किसी में मिलावट रहता है। इसके लिए सोच समझ के जो खाना है वही हमको खाना है, ठीक है। चिकन के बाद आता है अभी अजीनोमोटो और फूड कलर्स बहुत कम होटल में अभी यूज़ होता है, बहुत कम जगह में ये सब यूज़ होता है, फिर भी बोलता हूँ कहीं यूज़ होता रहेगा तो ये सब जितना कम खाएंगे तो हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा है। अब आपका सवाल ये रहेगा, अरे इतना गेस्ट का आता है, इतना सब लोग का आता है, उनको कुछ नहीं होता, हम खाएगा तो ही होएगा क्या? तो गेस्ट हर बार नया नया आता है, हर बार अलग अलग गेस्ट आता है, और गेस्ट को ऑलरेडी उनको पता होता है, हेल्थ अवेयरनेस रहता है, वो एक्सरसाइज करते हैं और भी कुछ फूड खाते हैं, ये सब खत्म करने के लिए भी फूड खाते हैं, तो उनका इस सब सिस्टम में वो लोग और भी काम करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो उनको जल्दी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग कैसे भी मिला, कोई भी टाइम में कुछ भी मिला, आड़ा टेढ़ा खाते आड़ा टेढ़ा ये सब करने से वजह से ज़्यादा साइड इफेक्ट होने का चांस है, ठीक है। अब क्या क्या खाना है, खाने में आप सबको पता है फ्रूट्स अच्छा है सेहत के लिए, वेजिटेबल्स अच्छा है, फ्रूट्स वगैरह अच्छा है, सलाड्स अच्छा है। तो पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि अभी गर्मी भी आ गया, जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा है। और हमेशा खाना खाने का 15-20 मिनट पहले और खाना खाने का 20 मिनट के बाद पानी पीने का, बहुत सारा लोग पानी तो खाना खाने का टाइम बॉटल लेके ही बैठ जाता है पानी का बॉटल, तो पानी खाने का साथ का, क्योंकि वो अपना जो पाचन क्रिया होता है तो वो जैसा हम लोग एक थोड़ा रोटी खा लेते हैं तो चालू होता है उसका काम, तो उस टाइम पे पानी डालेंगे तो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पानी पहला पीजिए, 15-20 मिनट पहले जितना पानी चाहिए उतना पी लें कर, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से खाना कम जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि खाना भी कम जाएगा और खाना कम जाने से अपना और अच्छा ही होता है, ठीक है। तो पानी ज़्यादा पीना है, और उसमें से भी ठंडा पानी बहुत ज़्यादा लोग आजकल फ्रिज में रखते हैं, ठंडा एकदम ठंडा डबल कूल वाटर पीते हैं, तो इतना ठंडा भी नहीं पीने का। मैं चाहता हूँ कि सादा पानी या तो वार्म वाटर आप पिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जितना ठंडा पानी पिएगा इतना प्यास भी ज़्यादा लगता है तो ठंडा पानी से प्रॉब्लम भी है, तो रेगुलर वाटर ही आप पीना है। और पानी हमेशा सुबह उठते ही गर्म पानी या तो वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी सुबह उठते ही एक बार पीना अच्छा है, और शाम को भी 2 टाइम दिन में गर्म पानी पीना है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किचन में हम लोग काम करते हैं, तेल बिल अपना नाक से, मैं बोला ना नाक से जाता है ऐसा मुँह से जाता है, तो थोड़ा गर्म पानी पीने से सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और 2 टाइम दिन में पीना है, क्योंकि अगर आपका रूम पे वो सब गैस का व्यवस्था नहीं तो आजकल रेडीमेड जग वगैरह मिलता है, जो करंट में लगा के डायरेक्ट 2 मिनट में गर्म हो जाता है, पीने का ऑप्शन है, या माइक्रो ओवन आता है वो भी लेके आप बर्तन से फटाफट गर्म करके पी सकते हो, ठीक है। बहुत सारा पैसा उड़ाते हैं तो ये 1500-2000 में बहुत कुछ मिल जाता है, ये भी ले सकते हो आप, इसे यूज़ करके
गर्म पानी पीना जरूरी है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत अच्छा है। मैं भी पहले से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वगैरह खाता हूँ, हाँ पहले से खाता हूँ। अभी आयुर्वेदिक को दुनिया फॉलो कर रही है, सब लोग फॉलो करते हैं। आयुर्वेदिक का कुछ ना कुछ खाना रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश दवा कैसा, बीमार आने के बाद इंग्लिश दवा लिया जाता है और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो आयुर्वेदिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। कोई भी बीमारी होने से पहले ही अगर आयुर्वेदिक का दवा हम लोग अभी से ही चालू करेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आता है, 5 साल 10 साल पहले से ही उसका आना शुरू हो जाता है, अपने को पता नहीं चलता है। जब टेस्ट करेगा, जब एडमिट हो जाएगा, तब अपने को मालूम पड़ता है कि ये बीमारी है वो बीमारी। तो अगर पहले से ही, आज से ही अपन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कुछ ना कुछ खाएंगे। हेल्थ बहुत सारा प्रोडक्ट आता है मार्केट में, एलोवेरा जूस आता है, आंवले का जूस आता है, बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ ड्रिंक आता है अलग अलग कंपनियों का, और अर्जुना का टैबलेट आता है, जो अर्जुना का टैबलेट हर चीज़ के लिए अच्छा है, वो भी आप ले सकते हो। और ब्लड प्योरीफायर करके एक सिरप आता है, पूरा खून शुद्ध करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और डेटॉक्स करके एक गोली आता है, डेटॉक्स का वो गोली भी खाएगा तो बहुत अच्छा है, कंटिन्यू खाना है। और प्रोटीन का पाउडर आता है, प्रोटीन भी ले सकते हो, प्रोटीन का पाउडर। ये सब क्या, प्रोटीन नहीं रहने की वजह से बदन दर्द, कमर दर्द सब चालू हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग को जितना प्रोटीन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। अगर आप बाहर नेचुरल फूड में कितना प्रोटीन मिलेगा आपको, अगर आपको 20 ग्राम भी प्रोटीन दिन में खाना रहेगा ना, तो कितना, एक रोटी में 1 ग्राम मिलेगा, कितना 20 रोटी खा सकते हो, नहीं खा सकता है। तो क्या हम लोग इतना, अभी चिकन में भी मैंने बताया, चिकन में भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता ही है। तो नेचुरल में प्रोटीन लेना, अपने को जितना प्रोटीन चाहिए उतना लेना मुश्किल हो जाता है। इतना हम लोग को खाने को किसी को टाइम भी नहीं होता है, उतना खा भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा कंपनी का अच्छा अच्छा प्रोटीन पाउडर आता है, वो भी आप एक चम्मच लेने से, आपको सुबह शाम एक एक चम्मच लेने से भी आपका प्रोटीन कवर हो जाएगा, ये भी अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छा कंपनी का। देखिए अभी जो भी मैं प्रोडक्ट बोला, तो ये मैं ले रहा था, मैं आपको बताया, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इसको आप कन्फर्मेशन करना है। आप अपने डॉक्टर के पास, अपना फैमिली डॉक्टर, या आप जिससे प्रोडक्ट लेते हो उससे पूरा पूछना है, कितना लेना है, कभी लेना है, कैसा लेना है, और इससे क्या सही है क्या गलत है, पूरा आप इन्फॉर्मेशन लेके आपको प्रोडक्ट लेना है। मैं बोला करके नहीं, अपना डॉक्टर को पूछ के ही लेना है ये सब में, और ये सब अच्छा ही है। आयुर्वेदिक आप ले सकते हो, डॉक्टर को पूछ के चालू करो। और आयुर्वेदिक में एक दिन में दो दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। आप बोलेगा मैंने एक बोतल ये ख़त्म किया और ये गोली खाया, उससे नहीं होगा। आयुर्वेदिक में कम से कम 100 दिन आपको रिजल्ट दिखना चालू होएगा, 100 दिन में सिर्फ रिजल्ट दिखना चालू होएगा बस। हाँ, तो आप कंटिन्यू साल भर खा सकते हो, साल भर खाते रहने का, एक बार शुरू करेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अभी और एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा है, योगा करेगा तो अच्छा है, वॉकिंग अच्छा है, ये सबको पता है, लेकिन कितना लोग करते हैं, कोई नहीं करता है, ना जिम जाते हैं, ना घर पे करता है, या ग्राउंड में वॉकिंग भी कर सकते हो, बहुत लोग नहीं करते हैं। और कुछ लोग करते भी हैं, वो ओवर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं। जैसे कि अभी जिम में ज्वाइन हो गया, तो उसने देख लिया आजू बाजू में बड़ा बिल्डर को देख लिया, उसको देख के जोश में आ गया, मोटिवेट में, आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा इतना एक्सरसाइज करना चालू हो जाएगा, वो जिम का इसमें चला गया। ऐसा नहीं, फिटनेस के लिए करना है, जिम ज़्यादा भी करना अच्छा नहीं है। तो एक आधा घंटे, जैसे आप जिम में जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट वार्म अप के लिए लीजिए, पूरा बॉडी फ्री करने का, अच्छे से वार्म अप करने का पहला 10 मिनट, उसके बाद आधा घंटा वेट लिफ्ट करने का, जो आपको एक्सरसाइज करना है वो सब करना है, और लास्ट में 10 मिनट स्ट्रेच करना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, जितना हो सकता है उतना बॉडी को पूरा फ्री करके अपने को बाहर निकालना है। यानी 10 मिनट पहला वार्म अप में, 10 मिनट लास्ट में स्ट्रेच करने में, आधा घंटा एक्सरसाइज करेगा तो बहुत है। क्योंकि बाहर जो करते हैं ज़्यादा, 1 घंटा 2 घंटा, वो प्रोफेशनल बिल्डर बनना रहता है उनको, उनका प्रोफेशनली वो ये हो तो वो कोई कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये सब में क्या प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा करते हो, ज़्यादा करने के बाद छोड़ने के बाद तकलीफ होएगा। अगर पहले से आप लिमिट में करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ज़्यादा 2-2 घंटा करके जब छोड़ते हो ना, तब प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा चक्कर पे नहीं पड़ना है, क्योंकि ज़्यादा करने वाले को भूख भी ज़्यादा लगता है, नींद भी ज़्यादा लगता है, फिर वो ज़्यादा खाना चालू कर जाता है, अंडा चिकन सब चालू हो जाता है, जब जिम किसी भी हालत में छूटता है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो नहीं होता है, हम लोग का काम होता है, धंधा होता है, कभी गांव जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ रीजन के वजह से जिम ब्रेक होता ही है। और ब्रेक होने के बाद क्या, खाना पीना उतना ही रहेगा,
और मेहनत कम होएगा, फिर बॉडी में गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। इसलिए ये सब बात याद रखना है। योगा भी अच्छा है, योगा कर सकते हो, योगा बहुत अच्छा है। सुबह उठ के जल्दी अगर उठ सकते हैं तो वो भी बहुत सही है। और जॉगिंग करो, वॉकिंग करो। और जिसका स्टाफ रूम दूर होता है या काम में ज़्यादा काम लगता है, ज़्यादा पसीना आता है, तो अच्छी बात है। मैं तो हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी मुझे जब भी ज़्यादा काम मिला मैं अपॉर्चुनिटी समझ लेता हूँ। मेरे को मौका मिला ज़्यादा करने का, मेरे को एक्सरसाइज करने का मौका मिला, मेरे को इतना बड़ा टॉप उठाने का मौका मिला, मेरे को ये उठाने का एक्सरसाइज करने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। अगर मेरे को चल के आना पड़ा दूर से तो मैं मौका समझता हूँ, गाड़ी नहीं तो चलने को, जितना चलने को मिला उतना अपना मौका है। तो ये सब अपन को अपॉर्चुनिटी समझ के लेना है। तो जितना चलना है, अगर स्टॉप रूम लंबा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चल के जाना है, चल के आना है, ये सब अच्छा है रहता है। हेल्थ मैनेज करना ही पड़ेगा, जैसा हम लोग मनी मैनेज करते हैं वैसा हेल्थ को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ अगर हमारा सक्सेस में, मेरा हमारा ज़िंदगी का सक्सेस में 50% तो हेल्थ ही होता है। हेल्थ साथ देगा तो ही हम लोग सक्सेस होने का मतलब है, नहीं तो बहुत सारा पैसा आ गया, हेल्थ साथ नहीं दिया तो उस पैसे का क्या करोगे। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। इश्यू ऑल सक्सेस। जय हिंद, जय होटल इंडस्ट्री।